छुपा ना सकोगी मैं वो राज हूँ, तुम भुला ना सको। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको मेरे चैनल टेक्नोलॉजी हेयर में खुश आमदीद। इस तरह का स्टेटस बनाने के लिए आप सबको एक ऐप की ज़रूरत है। इस ऐप का नाम है जी अलाइट मोशन। अलाइट मोशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। अगर आपके पास विदाउट वाटर मार्क नहीं है तो आप मुझे कमेंट कर दें, मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। इसी ऐप का लिंक जो अलाइट मोशन आपके सामने है। अब इधर देखें, प्रोजेक्ट पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपने एक दफ़े से क्लिक करना है। इन दोनों शेक इफेक्ट और बीट मार्क का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप इसे आसानी से डाउनलोड कर लेना। बीट मार्क वाले ऑप्शन पर एक दफ़ा से क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। यहाँ पर देखें, मैंने पहले ही से ही एडिट करके लिरिक्स यहाँ पे सेट किए हुए हैं। अगर इसमें कुछ चेंजिंग वगैरह करनी हो तो आपने यहाँ पे चेंजिंग कर लें, आपकी मर्ज़ी है। नहीं तो बेहतर है कि आप ऐसे ही रहने दें। अब नीचे आगे देखें, रेड कलर का बीट मार्क नज़र आ रहा है, इस पर आपने एक दफ़ा से क्लिक करना है। प्लस आइकॉन पर फिर मीडिया पर यहाँ से अपनी एक इमेज सेलेक्ट करके अपना जो इमेज का स्टेटस है वो क्रिएट करना है। थ्री डॉट पर क्लिक करना है, फिल टू कंपोजिशन एरिया पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट बीट मार्क तक इसे आपने कट कर देना है। फिर आगे क्लिक करेंगे प्लस आइकॉन पे, फिर मीडिया पे, फिर यहाँ पे इमेज सेलेक्ट करके इसका थ्री डॉट पे क्लिक, फिल टू कंपोजिशन एरिया, नेक्स्ट बीट मार्क तक इसे भी कट कर देंगे। मैंने पहले इसे इमेज अपनी सेलेक्ट करके रखी हुई है। अगर हर इमेज आपको एक एक करके दिखाऊँ तो हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैंने कुछ वीडियो आपके सामने प्रैक्टिकल करके दिखाया, जाकि आप सेम इस तरह से अपनी इमेज ऐड कर सकते हैं। इसे कट करेंगे, इसे एक कट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, आगे मैंने इमेज ऐड करके रखी हुई है। अब हमने क्या करना है जी, हमने इसमें इफेक्ट ऐड करना है। बैक करेंगे, शेक इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है जी, ये देखें, ये जो दूसरा इफेक्ट है ना, दूसरी इमेज वाला इफेक्ट, इस पर आपने एक दफ़ा से क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करना है, इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाना है, फिर इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाके थ्री डॉट वाला ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक करके ये वाला इफेक्ट आपने कॉपी कर लेना है। फिर बैक करेंगे, बिल्कुल बैक, दोबारा बीट मार्क वाले ऑप्शन में जाएंगे, जो आपको बीट मार्क वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट जाएंगे, जहाँ तक हमारी क्या हो रही है जी, इमेज स्टार्ट हो रही है। इमेज पे देखें जो डबल बीट मार्क लाइन, डबल लाइन वाला है ना, उससे आपने इस इमेज पे ये वाला इफेक्ट अप्लाई करना है। इस इमेज को मैं डिलीट करता हूँ, ये देखें, आपको मैं करके दिखाता हूँ कि किस तरह से करते हैं। फिर दोबारा से प्लस आइकॉन पर क्लिक करेंगे, इस बीट मार्क पर रख के मीडिया पर क्लिक करेंगे, यहाँ से अपनी एक इमेज सेलेक्ट करेंगे, या आगे इमेज थ्री डॉट पर क्लिक करके फिल टू कंपोजिशन एरिया कर देंगे, ओके करेंगे। इसका जो ये वाला पार्ट है ये आपने कट कर देना है। अब देखें, जिस जिस इमेज के ऊपर डबल बीट मार्क लगा हुआ है, यानी कि रेड कलर की डबल लाइन लगी हुई है, उस पर आपने ये सेकंड वाला इफेक्ट अप्लाई करते जाना है। एक इफेक्ट हो गया, देखिए नेक्स्ट जाएंगे, ये डबल बीट मार्क आ गया, इस पर क्लिक करेंगे, ये पेस्ट कर दिया। फिर नेक्स्ट डबल लाइन पर जाएंगे, ये आगे डबल लाइन होगी, इस पर क्लिक करके ये पेस्ट कर दिया। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करके ये डबल लाइन आ गई, इस इमेज पर ऐड करेंगे। जिस भी डबल लाइन पर हो उस पर आपने ये सेकंड वाला इफेक्ट, सेकंड इमेज वाला जो इफेक्ट है, आपने पेस्ट करते जाना है। इधर भी आ गया, ये देखिए पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट जाएंगे डबल लाइन पे, यानी कि डबल बीट मार्क इफेक्ट पे, थ्री डॉट पे फिर पेस्ट कर देंगे और ओके करेंगे। अब करेंगे बैक, दोबारा जाएंगे शेक इफेक्ट वाले ऑप्शन पे, इसमें जब आपको ऑप्शन नज़र आया ना पहला इफेक्ट वाला, उस पर आपने क्लिक करना है। पहली इमेज पे इफेक्ट पे क्लिक करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, फिर इसे आपने क्या कर लेना जी, कॉपी कर लेना है। फिर बैक करेंगे, दोबारा से जाएंगे सॉन्ग बीट मार्क वाले ऑप्शन पे, इधर क्लिक करेंगे, जो पहली आप स्टार्टिंग में सिंगल बीट मार्क वाली इमेज है ना, पहली पहली स्टार्ट में, उस पर आपने ये वाला इफेक्ट अप्लाई करना है। देखें ये आगे इमेज, इस पर क्लिक, इफेक्ट पे, थ्री डॉट पे फिर पेस्ट कर देंगे। फिर नेक्स्ट इमेज पे क्लिक करेंगे, इफेक्ट पे, थ्री डॉट पे फिर पेस्ट कर देंगे। फिर नेक्स्ट इमेज पे क्लिक, इफेक्ट पे, थ्री डॉट पे फिर पेस्ट कर देंगे। अब देखें आगे जो जितनी इमेज है उन पर आपने इफेक्ट सेम इस तरह से अप्लाई कर देना है। अब जिस जहाँ जहाँ पर आपको बीट मार्क दिखाई जो होगा ना, बीट मार्क लगा हुआ साउंड जो होगा, वो आपने सुन के इस इमेज पे अपनी इफेक्ट अप्लाई करते जाना है। पहले चार इमेज करने के बाद देखें, जहाँ पे आपको बीट मार्क महसूस हो वहाँ पे आपने कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है ये वाला इफेक्ट। फिर नेक्स्ट जाएंगे, यहाँ पे बीट मार्क का इफेक्ट, थ्री डॉट फिर पेस्ट। फिर नेक्स्ट पे जाएंगे, ओके हो गया। अब बैक करेंगे, दोबारा से बैक करेंगे, बिल्कुल बैक, दोबारा जाएंगे शेक इफेक्ट वाले ऑप्शन पर, इसमें आप लास्ट वाला जो इफेक्ट है ये रहेगा, यानी कि इसमें हमने जो इमेज का साइज इंक्रीज़ होगा ना, उस पर हमने ये वाला इफेक्ट अप्लाई करना है। मिसाल के तौर पे अब जो इमेज हमारी बच गई है उन सब पे हमने यही वाला इफेक्ट ऐड करते जाने हैं। देखें ये आ गया, इसमें नहीं है, इस पर अप्लाई करें, देखें इस इमेज का साइज़ भी इंक्रीज़ है। तो सेम आपने इसी तरह से अपने जितनी भी इफेक्ट हैं कॉपी कर, वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे आपने पेस्ट करने हैं। फिर नेक्स्ट जाएंगे, ओके ओके। अब बैक करेंगे हमारे दोबारा शेक इफेक्ट में, ये पहले चार पाँच लेयर आपको नज़र आ रही हैं, आपने सेम इस तरह से इन्हें सेलेक्ट करना है।
फिर आपने कॉपी करके बैक करेंगे, दोबारा से जाएंगे बीट मार्क वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे फिर से प्लस आइकन पे क्लिक करें, पेस्ट फाइव लेकर दें, फिर सेलेक्ट करें 3 4 5, एंड में जाके नीचे वाला ऑप्शन आपको नजर आ रहा है उस पर आपने एक दफ़ा से क्लिक करना है, तो ऑल वीडियो पे इमेज पे ये वाले इफेक्ट होंगे, लेयर अप्लाई हो जाएंगे। इस वीडियो को आपने ऊपर आप एक्सपोर्ट कर देना है 180 पे।